बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज के साथ मैं हूं शफाकत अली जोगर। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सदर मुशायख अज़ाम ख्वाजा अताउल्लाह तौंसवी की शिरकत की यकीन दहानी। खत्म नबूवत के मामले पर राना सना को बरतरफ किया जाए पीर ऑफ गोलडा शरीफ। पीर निजामुद्दीन जामी ने पीर ऑफ सयाल और ताहिरुल कादरी की हमायत कर दी। कोई भी नून लीग को वोट न दे, पीर ऑफ गोलडा शरीफ की अपील। एमकेएम की एक और पतंग कटने का इम्कान। मुतहिदा के एक रुकन असम्बली पीएसपी में शमूलियत का करेंगे ऐलान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक शदीद धुंध के बायस बंद। M1 पर सवाबी से पशावर, M4 पर पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक धुंध। कौमी शाहरा पर मांगा मंडी से खानेवाल तक हर शहर धुंधला गई। गुजरात से काला शाह काकू तक भी धुंध। कराची के एक और शहर का जुर्रतमंदाना इकदाम। नॉर्थ नाजमाबाद में डॉक्टर ने लुटेरों को गाड़ी की टक्कर से जख्मी कर दिया। कराची में मलीर लियाकत मार्केट के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ भाग। लियाकत मार्केट के करीब सिक्योरिटी गार्ड बंदूक के साथ सेल्फी बनाते जाँ भाग हुए। शाह लतीफ पुलिस का अब्दुल्ला गोच के करीब मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी। कराची में सरापा एहतजाज, असातिज़ा की मुस्तकली का नोटिफिकेशन जारी न हो सका। वजीर आला सिंध ने मामले पर आज इजलास बुला लिया। नई सियासी हलचल, शहबाज शरीफ की अचानक सऊदी अरब रवानगी। सऊदी हुकूमत ने वजीर आला पंजाब के लिए खसूसी तैयारा भिजवाया। शहबाज शरीफ की अचानक रवानगी पर सियासी हलकों में चहमगोया। पाकिस्तानी नजाद आतिफ करनी अमरीकी रियासत वर्जीनिया के वजीर तालीम मुकर्रर। शाहीनों ने केवीज के देश के लिए उड़ान भर ली। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 ODI 3 T20 खेलेगी। हाँ मैं जासूस ही हूँ, कुलभूषण का अहले खाना से मुलाकात में भी एतराफ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कई वारदातों में मुलविस रहा, कुलभूषण की गुफ्तगू। कुलभूषण ने पाकिस्तान के इल्जामात की तफसीलात भी बताई भारतीय अखबार। भारतीय वजीर खारजा आज लोकसभा में कुलभूषण से मुतल्लिक बयान देगी। नाकिस मनसूबाबंदी, कराची में तरक्याती काम भी दर्दे सर बन गए। पंजाब चौरंगी अंडरपास का हाल नामुकम्मल, ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। कराची में कई सड़कें खंडर बन गई, सीवरेज का निजाम भी बोसीदा। सऊदी अरब में गिरफ्तार अहम अफराद में 17 गैर मुल्की भी शामिल। गिरफ्तार अफराद में 8 अमरीकी, 6 बरतानवी और 3 फ्रांसीसी ताजिर। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की बहाली के बाद सकाफती सरगर्मियां। पेशावर में कल्चरल शो, गुरुकारों ने हाजरीन को खूब महजूज किया। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद आपको बताते चले के सादकाबाद के इलाके पंडित दरी में अनोखा जिरगा। जिरगे में 10 साल के लड़के पर 7 साल बच्ची के साथ कारोकारी का इल्जाम आए। मजीद जानेंगे मोहसिन खान की ये रिपोर्ट। सादकाबाद के इलाका पंडित दरी में अनोखा जिरगा। जिरगे में 10 साल के लड़के पर 7 साल बच्ची के साथ कारोकारी का इल्जाम आयद करके लड़के को कत्ल करने का फैसला। माफ करो, 5वीं क्लास पढ़ता पे मेरे बच्चे नु खतरा आया और ना काली काला करके कहंदे सी बच्चा मारना है। तुसी इंसाफ करो भाई, मेरे बच्चे नु बड़ा खतरा या खानदानी दुश्मन चलता है। वो दुश्मनी च फैसला होया, कहंदा है असी मारना है तेरे बच्चे नु, मेरे बच्चे नु बहुत ही खतरा या। सर जाती दुश्मनी है, जोरी मरेंदे पे जाती दुश्मनाई गण के सर नाल ज्याद की करेंदे पे। छोटी बच्ची है 7 साल की, बच्चे राय में ना जाहिर करके सर को कालवां दे के मरेंदे पे। जेड़ा असा छोकरा 5 साल पढ़ता पे, 5वीं क्लास पढ़ता पे छोकरा, एक जाती खतरा है। पुलिस हुकूमत सारे नाल तमान करे, नजायज सारे नाल कीती वेंदा पे, बच्चे का पढ़ाई वेंदा पे। मेहरबानी कर सर, कोई अगीते सुनया वे असा को नजायज मरेंदे पेन, कोई बाहर बच्चे को निकल ना दें पेन। खानदानी दुश्मनी की वजह से कारोकारी का इल्जाम लगाया गया, बच्चे की जिंदगी को खतरा। वालिदा का कहना है पुलिस तहफ्फुज फराहम करे। 47 स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहे 47 न्यूज या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.live47newsstudio.com। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।